हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये है बॉक्स गोलगप्पे का जिसे मैंने अमेज़ॉन से परचेस किया है और इस बॉक्स का नाम है अनु कंपनी फूड्स। 185 रुपीस में मैंने अमेज़ॉन से इसे लिया है और इसमें आपको इस पैकेट में 200 पूरीज मिलती है और इससे बड़ा भी पैकेट आपको मिलता है अमेज़ॉन में, 250 रुपये का मिलता है, 250 रुपीज़ का। तो ये है छोटा पैकेट अनु का। तो फ्रेंड्स, इस पैकेट में हमें पूरी मिलती है और मैंने काउंट किया तो लगभग 210 पूरी हमें मिली है, 210। तो फ्रेंड्स, ये जो पैकेट है इसमें हमें काफ़ी सारी पूरी तो मिलती है लेकिन हमें मसाला नहीं मिलता है सिर्फ। तो अगर आप घर पे पानी पूरी बना के खाना चाहते हैं अनु के पैकेट से, अगर आप घर में पूरी बनाते हैं पानी तैयार करने के लिए, फिर चाहिए हमें मसाला भी, तो मसाला हमें अलग से लेना होता है। तो ये आप देख सकते हैं ओवल शेप में हमें पूरी मिलती है और एक भी इसमें डैमेज मुझे नहीं मिली है। और जब मैंने इसे काउंट किया तो काफ़ी सारी मिली है हमें पूरी, इसमें 200 से भी ज़्यादा पूरी हमें मिलती है छोटे पैकेट में। और ये है मेरे पास मसाला, क्योंकि इस पैकेट पूरी के साथ हमें मसाला नहीं मिला इसलिए मैंने अलग से ये सुहाना का पानी पूरी मसाला 10-10 रुपीज़ का, आप देख सकते हैं ये पैकेट हमें मिल जाता है। और इसके अलावा आप एवरेस्ट का भी और भी कंपनी के अलग अलग मिलते हैं पैकेट्स, वो आप ले सकते हैं या फिर आप अपने घर में ही मसाला तैयार कर सकते हैं। तो ज़्यादा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों, जब ये छोटे छोटे पैकेट ही हमें मिल जाते हैं 10-10 रुपीज़ के और इसमें हमें सिर्फ पानी के साथ हमें तैयार करना होता है मसाला। तो ये है दोस्तों, कुछ उबले हुए आलू मैंने लिए हैं 10-12। हाथों से हम मैश करने के लिए हाथों को पहले हम धो लेंगे, वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसमें मिलाएँगे नमक। 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दिया मैंने इसमें और लिया है मैंने 1 से 1.5 हरी मिर्च कटी हुई, समार काट के डाल दिया है। इसके अलावा आपको और क्या पसंद है स्पाइसी करने के लिए, क्योंकि कमेंट आता है मुझे काफ़ी सारा, तो मैंने चलिए आपके लिए ले लिया है 1/2 चम्मच भुंजा हुआ जीरा पाउडर। और क्या लेना चाहिए दोस्तों, अगर आप कहेंगे कि मिर्ची भी ले लीजिए, आप ये भी ले लीजिए, तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिया है। और प्याज ले लिया है मैंने 3 बारीक मीडियम साइज़ की कटी हुई, बहुत ज़्यादा बारीक कट लिया है मैंने। तो इतना चीज़ें लेने के बाद हम अपने हाथों से इसे मैश करेंगे, मिला लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं इसमें और कुछ और ऐड नहीं कर सकती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा, तो हमारे घर में जो फैमिली में बच्चे हैं वो भी खाने वाले हैं और फिर वो तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते। दोस्तों आप कहते हो कि आपने बहुत फीका बनाया, तो इस वजह से मैं फीका बनाती हूँ क्योंकि ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सके। और अब दोस्तों मसाला तो अच्छा से हो गया है तैयार, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम रख देते हैं साइड में और अब हम तैयार करेंगे मसाला जो मैंने मंगवाया है उसका हम पानी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4% के लिए पानी पूरी तैयार करने जा रही हूँ, इसलिए मैंने लिया है 4 से 5 गिलास पानी। और इसमें हम मिलाएँगे सुहाना मसाला और ये जो पैकेट है मैं लगभग 2 पैकेट इतने पानी में डाल रही हूँ। और ये जो पैकेट है दोस्तों इसमें काफ़ी कुछ मिला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मसाला ये होता है पानी इसका। तो हमें अगर आपको खट्टा मीठा पसंद है तो आपको इसमें शक्कर ऐड करना होगा और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हमारे घर में हम लोग को खट्टा मीठा पानी बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच शक्कर ऐड किया है। और अब ये दोस्तों हम इसे मिक्स कर लेते हैं और अब हमने पानी भी तैयार कर लिया है और अब हम लास्ट में पूरी को फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट में करते हैं गर्मा गर्म फ्राई करी हुई पूरी हमें मिलती है अपनी फैमिली के लिए, इसलिए लास्ट में कभी भी आप पूरी को फ्राई करें। और अगर आप ठंडी के सीज़न में पूरी को परचेस करते हैं तो आपको इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखना होगा, अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है इसलिए मैंने पूरी को धूप में नहीं रखा है। और अब हमने लिया है तेल और तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है और ज़्यादा गरम अच्छे से करने के बाद ही हम पूरी को इसमें फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो पूरी फ्राई होती नहीं है अच्छे से। आप देख सकते हैं जैसे मैंने एक पूरी को इसमें डाला और ये देखिए ये फ्राई नहीं हो पाई है क्योंकि तेल ज़्यादा गरम नहीं था, इसलिए हमें तेल को ज़्यादा गरम करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं आप कि मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम एक साथ 4 से 5 पूरी फ्राई कर सकते हैं। चम्मच से पलटा लेंगे हम अच्छे से फूल जाए, तो उसके लिए हमें इस उनकी प्लेस से हमें टर्न करते रहना होगा। और ये देखिए बढ़िया सी पूरी फ्राई हो गई है,
तो इसी तरह से हमें 4, 5, 6, 7 पूरी आप एक साथ फ्राई कर सकते हैं। और मीडियम आंच पे हमें इसे फ्राई करना है दोस्तों। और तेल मैंने लिया है सोयाबीन का। आप लोग फिर मुझसे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि तेल कौन सा ले, तो तेल हमें सोयाबीन का लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप राई का तेल लेते हैं या फिर फल्ली का तेल लेते हैं तो उसमें से ज़्यादा महक आती है और फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये सोयाबीन का तेल है, या फिर आप चावल का तेल भी ले सकते हैं, उसमें कोई महक होती नहीं है और जिससे पूरी हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। जब हम ये पूरी को फ्राई करते हैं तो ये पूरी तेल पीती नहीं है, ज़्यादा तेल पीती नहीं है दोस्तों। और आप काफ़ी सारी पूरी 5 मिनट में ढेर सारी पूरी फ्राई कर सकते हैं, बहुत जल्दी फ्राई होने लग जाती है। ये देखिए हमने जैसे डाला वैसे ये फूलना शुरू हो गई। तो इसी तरह से हमें फ्राई करना है। तो लगभग मैंने आधे से ज़्यादा पूरी मैंने फ्राई कर लिया है, जैसे 200 पूरी थी तो उसमें से कुछ पूरी को मैंने फ्राई कर लिया है। और एक आध पूरी ऐसी होती है जो थोड़ी सी फूलती नहीं है, लेकिन ये भी आप खा सकते हैं लास्ट में पपड़ी बना के उसकी। इसका टेस्ट आप बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये अनु का पैकेट। मैंने अपने चैनल में काफ़ी सारे गोलगप्पे के रिव्यू किए हैं, तो मुझे ये जो पूरी है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। बाकी के मुकाबले हम देखेंगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए खासकर मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है इसमें कि आप अनु का पैकेट ले सकते हैं और अपने घर में आप इंजॉय कर सकते हैं इस पूरी के साथ, क्योंकि ये पूरी बहुत ही ज़्यादा मुझे बेस्ट लगी है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है फ्राई होने के बाद, बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में भी, आपके घर में सभी पसंद करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात होती है, इसमें हमें सिर्फ मसाला नहीं मिलता है, और आजकल दुकानों में मसाले हमें मिलते हैं अलग अलग कंपनी के, वो सभी अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आप भी चाहें तो अमेज़ॉन से परचेस आप कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ। फ्रेंड्स आपने सुने कितना क्रिस्पी आवाज़ है इसकी, और ये कितनी टेस्टी पूरी बनके तैयार हुई है। इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए और भी अलग अलग पैकेट्स के रिव्यू करती रहूँगी अपने चैनल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।